आज़ादी की लड़त में मुख्य योगदान देने वाले महापुरुष लाला लाजपत राय की बात करूँगा। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब राज्य के मोगा जिले का दुधिक गांव में 28 जनवरी 1865 में हुआ था। उसके पिता का नाम मुंशी राधाकृष्णन और उसकी माता का नाम गुलाब देवी था। उसकी पत्नी का नाम राधा देवी था। लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित होकर देश को आज़ाद करने की लड़त में जुड़े थे। लाला लाजपत राय जहालवादी विचारधारा का मुख्य नेता थे। लाल बाल पाल की त्रिपुटी में लाला यानी लाला लाजपत राय कहा जाता था। लाला लाजपत राय को प्यारे लाल अग्रवाल और अमृत लाल अग्रवाल नाम का पुत्र था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी से जाना जाता था। लाला लाजपत राय ने तरुण भारत नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जिसके द्वारा वह आज़ादी की लड़त में नया युवा क्रांतिकारियों को तैयार करना चाहते थे। ईस्वी 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आए, तब उसका सामना करने के विरोध में जो रैली का आयोजन किया गया था, उसने उस रैली की नेतागिरी ली थी। साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त उसके सिर पर अंग्रेज की लाठी लगने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसे महान सितारा का मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुआ था। इस वीडियो को अन्य व्यक्तियों और ग्रुपों में भेजिए ताकि उसको भी ऐसे महान क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त हो सके। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।